हेलो वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल टोटल सॉल्यूशन मिलर। दोस्तों आज मैं लेके आया हूँ आप लोग के सामने जो कि हाई ब्राइट लाइट वाला एक एलईडी टॉर्च लाइट। तो दोस्तों इसका जो प्रॉब्लम है ये पूरा सल्फर से ढक गया दोस्तों। शायद इसके अंदर कोई बैटरी था पहले जिसका लिक्विड निकल के सल्फर एसिड निकल के देखिए ये पूरा एसिड से ख़राब हो गया है। इसका निकल भी उठ गया है दोस्तों। तो देखिए इसके अंदर पूरा सल्फर जमा हुआ है और जो टॉर्च है वो डेड है दोस्तों। ये चार्ज करने से बहुत हीट हो रहा है, गर्म हो रहा है। ये देखिए सारा सल्फर जमा हुआ है। तो इसके अंदर भी होगा दोस्तों, ये खोलने के बाद ही पता चलेगा कितना सल्फर इसके अंदर जमा हुआ है। तो इसी कारण ये टॉर्च दोस्तों डेड हो गया है। तो ऐसा प्रॉब्लम दोस्तों अक्सर तो नहीं होता है लेकिन आप लोगों के सामने हो सकता है कोई बैटरी अगर ख़राब हो। तो मैं इसको निकाल लेता हूँ, उसके बाद स्टेप बाय स्टेप हम दिखाएंगे इसको कैसे हम रिपेयर करते, कैसे इसको साफ सफाई करते दोस्तों इसको सही से। तो दोस्तों ये जो टेक्नीशियन जो होता है उन लोगों के लिए भी बहुत हेल्पफुल वीडियो है दोस्तों। और जो मतलब जिसके पास ऐसा कुछ टॉर्च है नज़दीक में कोई भी टेक्नीशियन नहीं मिलता है तो वो लोग भी इसको ऐसे रिपेयर कर सकते हो। तो चलिए इसका जो सर्किट है हमने खोल लिया है, देखिए इसके अंदर कितना सल्फर जमा हुआ है, एसिड जम गया है। बैटरी का जो एसिड है वो निकल के मैं नज़दीक से दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ दोस्तों। तो देखिए इसमें कितना गंदा हो गया, तो इतना इसमें एसिड निकल रहा है दोस्तों। मेरा हाथ भी जल रहा है अभी, जो हाथ में लग गया मेरा पूरा हाथ में इसका जो सल्फर वाला एसिड है दोस्तों लग गया, बहुत जल रहा है हाथ। तो दोस्तों वो तो जलेगा ही, उसमें कोई बात नहीं है। तो इसको हम कैसे इसको रिपेयर करेंगे, तो इसको कौन सा लिक्विड से इसको साफ करेंगे दोस्तों, तो सिंपल है, आप लोगों के घर में मिल जाएगा। इसमें हम घासलेट का जो ऑयल होता है दोस्तों तो उसको ही डालेंगे, तो जो ब्लू वाला ऑयल मिलता है वही वाला सही रहेगा, वो साफ भी रहता है। तो पहले मैं इसका जो है दोनों वायर का सल्फर हटा लिया हूँ क्योंकि नहीं तो आयरन से सोल्डर नहीं गलेगा। तो इसका जो लाइट एलईडी वाला सेक्शन है उसको हम खोल के अलग कर लिया, इसको बाद में साफ करेंगे। इसको हम रख देते हैं, इसके अंदर भी देखा दोस्तों कितना सल्फर है, देखिए सल्फर जमा हुआ है। तो हाथ तो मेरा जल रहा है सल्फर से। तो इसके अंदर हम थोड़ा सा घासलेट डालेंगे, ज़्यादा नहीं है मेरे पास, तो ज़्यादा सल्फर होने से तो थोड़ा सा घासलेट से नहीं होगा दोस्तों, ज़्यादा घासलेट डालना पड़ता है, उसको पूरा भिगोना पड़ता है, उसके बाद उसको साफ़ करना पड़ता है। तो इसको आप दो तीन बार साफ़ कर लीजिए तो बोर्ड पूरा एकदम क्लीन हो जाएगा। उसके बाद बोर्ड को आप पेट्रोल के मदद से थोड़ा साफ़ कर लीजिए, नहीं तो ICI थिनर के मदद से भी आप इसको साफ़ कर सकते हो दोस्तों। मैं ICI थिनर यूज़ करता हूँ। तो देखिए इसका जो है हम पहले ब्रश के मदद से जो टूथ ब्रश है घासलेट का ऑयल दोस्तों इसके अंदर हम डाल रहे हैं, जहाँ जहाँ पे सल्फर है। तो इसको हम थोड़ा टाइम भिगो के रखेंगे दोस्तों, इसको मतलब घासलेट का ऑयल से 5 मिनट भिगो के रखेंगे तो पूरा जो सल्फर जमा हुआ है वो सल्फर जो है नरम हो जाएगा और आसानी से साफ हो जाएगा, कोई भी प्रॉब्लम नहीं आएगा और बोर्ड एकदम चकाचक हो जाएगा। उसके बाद इसको हम देखेंगे क्या प्रॉब्लम है इसका, कौन सा IC शॉर्ट है, क्या शॉर्ट है या क्या क्या इसमें ख़राबी आया है। इसका स्विच को भी हम खोलेंगे दोस्तों क्योंकि स्विच के नीचे भी सल्फर जमा हुआ है, तो उधर भी बोर्ड का फॉयल है। तो अभी हम इसको खोल के अगर ठीक नहीं करते तो 2-4 दिन के बाद हो सकता है उसी सल्फर के कारण अंदर का जो फॉयल है
वो कट जाएगा और उसमें फिर से प्रॉब्लम आ जाएगा। इसीलिए इसको अच्छे से साफ़ करने के बाद आयरन के मदद से इसका जो स्विच है वो भी हटाएंगे। देखिए इधर बहुत सारा सल्फर था, अभी हम थोड़ा देखिए नाइफ के मदद से घिसने से चकाचक हो रहा है, मतलब सल्फर ने ऊपर बोर्ड का ऊपर में जो फॉइल के ऊपर इंसुलेटर होता है, एक लेयर होता है दोस्तों, वो पूरा जल गया है सल्फर के कारण, वो जल गया है। इसीलिए जो फॉइल है वो निकल के बाहर आ गया, देखिए चकाचक दिख रहा है इसी कारण, क्योंकि इसके ऊपर जो इंसुलेटर एक लेयर रहता है दोस्तों, वो हट गया है। तो दोस्तों इस वीडियो को ध्यान से देखिए तो बहुत कुछ आप लोगों को सीखने को मिलेगा, क्योंकि ऐसे जो हाई ब्राइट वाला टॉर्च लाइट है लगभग सबका घर में ही मिलता है, मतलब ये अच्छा क्वालिटी का होता है दोस्तों और अच्छा यूज़फुल भी होता है। तो इसी कारण इसका जो लाइट है वो भी बहुत ब्राइट होता है, इसी कारण यही वाला अक्सर ज़्यादातर लोग यूज़ करते हैं। तो इसको आप लोग देख के ऐसे आप इसको सर्विस कर सकते हो, अगर किसी बैटरी गल के इसके अंदर सल्फर आ जाता है तो आप लोग भी ऐसे इसको साफ़ करके इसको फिट कर सकते हो। तो इसका प्रॉब्लम क्या है दोस्तों, इसमें सल्फर पहले से ही था, जब से नया ख़रीदा तो कस्टमर ने इसमें ध्यान नहीं दिया, तो इसका एक प्रॉब्लम आ रहा था, क्या इसके जो बैटरी है जल्दी डिस्चार्ज हो रहा था दोस्तों, और बहुत चार्ज करने के बाद भी इसमें फुल चार्ज नहीं होता था। जब बैटरी लेके आता था उसमें मतलब आधा से थोड़ा ज़्यादा, मतलब 3 वोल्ट के आसपास रहता था, उसके ऊपर नहीं जाता था दोस्तों, क्योंकि अंदर से सल्फर के कारण शॉर्ट होता हो रहा था दोस्तों, और बैटरी डिस्चार्ज हो रहा था और इसी कारण। तो इसको थोड़ा ज़्यादा एम्पियर का जो चार्जर है उससे चार्ज करने के बाद इसका जो सल्फर है वो थोड़ा बिगल गया, जो भी था अंदर हीट के कारण, और इसका जो भी फॉइल था, मतलब सारा फॉइल के ऊपर सल्फर जम गया और फॉइल भी कट गया होगा शायद, इसी कारण इसका जो टॉर्च है दोस्तों ये पूरा डेड हो गया। तो देखिए इसको हम बारीकी से इसलिए दिखा रहा हूँ दोस्तों, वीडियो थोड़ा लंबा हो सकता है, लेकिन आप लोग इसको अगर देख लेते हो ध्यान से तो आप लोग ऐसे इसका रिपेयर कर सकते हो। तो देखिए ये जो लाइट है दोस्तों हाथ में मेरा, तो इसको भी खोल के साफ करना पड़ेगा, अगर इसमें सल्फर अंदर भी गया होगा, अगर बाहर है तो कोई बात नहीं, उसमें प्रॉब्लम नहीं आएगा, लेकिन ये सल्फर अगर इसके अंदर गया हो तो लाइट को शॉर्ट कर सकता है दोस्तों, और बैटरी भी जल्दी डिस्चार्ज हो सकता है। तो देखिए इसका जो बॉडी है, बॉडी के अंदर भी सल्फर जम गया है। तो देखिए मैंने पूरा जो है सल्फर को हटा दिया है, क्लीन करके इसको सुखा लिया है। तो अभी इसमें हम चार्जर डाल रहे हैं दोस्तों, इसका जो वोल्टेज हम नापेंगे और इसका लाइट जल रहा है कि नहीं जल रहा है वो भी देखेंगे दोस्तों। तो देखिए मैंने चार्जर को लगा दिया है, अभी ये जो है स्विच हमने खोल लिया है, इधर शॉर्ट करने से देखिए लाइट नहीं जल रहा है दोस्तों। तो क्यों नहीं जल रहा है ये देखिए बारीकी से हम दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ नज़दीक से, यहाँ पे एक फॉइल जो है सल्फर के कारण वो कट गया है, जो स्विच का कनेक्शन है दोस्तों बैटरी की पॉजिटिव से आता है। तो देखिए ये वाला जो है देखिए इस जगह में कट गया है, तो स्विच का जो कनेक्शन है उसमें तो नहीं जल रहा है, देखिए इधर जो एलईडी ग्लो कर रहा है। तो हम क्या करेंगे, इसमें स्विच को बैठाएंगे, तो बैठाने के बाद हम थोड़ा उस फॉइल के साथ स्विच का जो कनेक्शन है वो थोड़ा ज़्यादा सोल्डर लगा के हम शॉर्ट कर देंगे, क्योंकि उसका लाइन कटा हुआ है, तो प्रॉब्लम नहीं आएगा, वो सही हो जाएगा। तो इसी कारण जो टॉर्च है दोस्तों
ग्लो नहीं हो रहा था क्योंकि उसका लाइन ही कटा है पॉजिटिव वाला, तो उसमें वोल्टेज नहीं जा रहा था दोस्तों, तो इसी कारण इसका टॉर्च भी ग्लो नहीं हो रहा था। तो अभी स्विच को हम आहिस्ता आहिस्ता लगा रहे हैं, तो ज़्यादा देर तक स्विच का जो पिन है उसमें आप आयरन को मत रखिए क्योंकि स्विच गल सकता है दोस्तों, स्विच का बॉडी जो है प्लास्टिक का है, अंदर जो एक पिन रहता है प्लास्टिक का उसमें ही जो स्विच का पिन है मेटल का वो लॉक जैसा लगा रहता है दोस्तों। आप अगर ज़्यादा देर तक आयरन को लगा के रखोगे तो हीट होके प्लास्टिक जो है गल जाएगा और वो जगह से हिल जाएगा तो स्विच ठीक से काम नहीं करेगा दोस्तों। देखिए अभी इसको हम थोड़ा घिस के पेस्ट लगा के हम सोल्ड कर देंगे स्विच का पिन के साथ। और दोस्तों मेरा चैनल का वीडियो अगर आप लोगों को अच्छा लगता है तो ज़रूर मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए और दोस्तों के पास भी शेयर कीजिए, बहुत बहुत सारा शेयर कीजिए दोस्तों, उन लोगों को भी ये सीखने का मौका दीजिए दोस्तों, क्योंकि काम जो होता है दोस्तों वो दिल से करना पड़ता है, हर कोई तो सीख नहीं पाता है और जो लोग सीखना चाहता है उसके पास पहुंचता नहीं है दोस्तों। तो ये जो काम है दोस्तों ये सीखने के लिए पैसा भी नहीं रहता है लोगों के पास, हर एक बंदे के पास, लेकिन उन लोगों के पास बहुत इच्छा शक्ति रहता है सीखने के लिए, लेकिन उन लोगों को मिलता नहीं है। तो इसी कारण ये वीडियो देख के थोड़ा बहुत अगर कोई सीख लेता है तो हमको बहुत खुशी होगी दोस्तों कि कोई तो बंदा इसको देख के कुछ सीख रहा है। देखिए इसको हम अभी स्विच को डाल रहे हैं, स्विच को खींच के थोड़ा हम इसको डालेंगे तो ये अंदर चला जाएगा पूरा। तो हम स्विच को दबा के देख लेंगे एक बार कि स्विच काम कर रहा है कि नहीं कर रहा है, नहीं तो स्विच को चेंज करना पड़ेगा। तो दोस्तों स्विच तो काम कर रहा है, अभी जो हम करेंगे ऊपर वाला जो मेटल का बॉडी है उसको थोड़ा घुमाएंगे, बाइक घुमाएंगे दोस्तों, क्योंकि इसको पेंच कसना है दोस्तों। जब हम इसका पेंच को कसेंगे तो वायर फिर से दाएं तरफ घूमेगा तो सही हो जाएगा, नहीं तो अब ऐसे ही इसको पेंच घुमाओगे तो उसका वायर टूट सकता है दोस्तों। अभी ट्वीजर की मदद से हम इसको टाइट कर देंगे, देखिए टाइट हो गया पूरा, थोड़ा और टाइट कर देता हूँ। तो देखिए अभी स्विच भी सही से काम कर रहा है, अभी जो रबर का वॉशर है दोस्तों इसको हम लगा देते हैं, रबर का जो बेल्ट है दोस्तों ये देता है वो, ये देने से दोस्तों ये वाटरप्रूफ भी होता है और जो मेटल है एक बॉडी के एक ढांचे के साथ दूसरा ढांचा जो है अटकता नहीं है दोस्तों, आसानी से खोल भी सकते हो इसको मोड़ के। तो देखिए, तो दोस्तों मेरा हिंदी उतना अच्छा नहीं है, थोड़ा तकलीफ़ होता है क्योंकि मैं हिंदी बोलना उतना अच्छा आता नहीं है, मैं बंगाली हूँ तो इसी कारण थोड़ा समझ लीजिए, थोड़ा प्रॉब्लम हो सकता है मेरा हिंदी में, थोड़ा क्या बहुत प्रॉब्लम है दोस्तों, प्रॉब्लम ही प्रॉब्लम है, तो उससे कोई बात नहीं है, काम से मतलब है दोस्तों, मैं जो दिखाना चाहता हूँ जो सिखाना चाहता हूँ वही से मतलब है। तो वो अगर आप लोगों को थोड़ा सा भी समझ में आ जाता है तो हमको उसमें बहुत खुशी होगा। तो दोस्तों देखिए इसका जो बेल्ट है वो भी हम इसमें पहना देता हूँ, तो अभी इसमें जो है बाकी का जो बॉडी है उसको हम इसमें सेट करेंगे, देख लेते कौन सा हिस्सा, तो दोनों ही एक ही है दोस्तों, कोई भी लगा दो कोई बात नहीं। तो देखिए इसका बॉडी लग गया है, अभी इसके अंदर वही बैटरी हम डालेंगे, तो ये बैटरी था इसके अंदर, लेकिन बैटरी को हमने चेक किया, बैटरी से जो है सल्फर नहीं निकला, लेकिन इसके अंदर कैसे सल्फर आया वो हमको अभी तक पता नहीं चला दोस्तों, तो हो सकता है पहला कोई
टॉर्च का बैटरी था। तो देखिए टॉर्च सही से ग्लो कर रहा है दोस्तों, ओके हो गया। तो अभी इसका जो चार्ज हो रहा है कि नहीं हो रहा है वो कैसे पता चलेगा, तो हम इसमें चार्जर को लगाएंगे, उसके बाद इसके जो पिछला हिस्सा है टॉर्च का उसको हम थोड़ा खोल लेते। तो खोल के इसका जो बैटरी है वो हम बाहर निकालेंगे। तो बैटरी बाहर निकालने के बाद हम स्विच को ऑन करेंगे। तो देखिए जो लाइट ग्लो हो रहा है तो मतलब इसका जो चार्ज है सही तरीके से हो रहा है। तो अभी इसको हम सेट कर देंगे। तो दोस्तों मेरा वीडियो इतना तक ही था, तो वीडियो को देखने के लिए आप सभी लोगों को मेरे तरफ से बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों। तो मेरा जो YouTube फैमिली है दोस्तों 700 से ऊपर हो गया, तो इसीलिए सब लोगों को मेरे तरफ से बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों। तो ओके, थैंक यू वॉचिंग माई वीडियो।